नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 9वें योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक योगशाला का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि योग भारत से आया है, लेकिन हर प्रकार की कॉपीराइट से मुक्ति है। इसका कोई पेटेंट नहीं है, ना ही इसके एवज में कोई रॉयल्टी मनी देने की आवश्यकता है। पीएम ने कहा कि योग भारत से आता है, सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह ये भी जीवंत और गतिशील है। योग जीवन का एक तरीका है, ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का एक तरीका है, ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्राकृतिक के साथ सद्भावना से जीने का तरीका है। लास्ट ईयर द एंटायर वर्ल्ड came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब एनडीए के साथ है। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने बुधवार को दोपहर नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद संतोष सुमन ने कहा कि हमारी पार्टी हम आज से एनडीए के साथ है। हम 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ रहकर मजबूती से लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की अमित शाह से लगभग 45 मिनट मुलाकात चली। इस दौरान भाजपा सांसद नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। इससे पहले बुधवार को बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। बता दें कि सोमवार 19 जून को हम पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने राज्यपाल राजेंद्र अर्केलकर को पत्र सौंपकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार से आधिकारिक तौर पर समर्थन वापस ले लिया था। वहीं औरैया में सड़क पार कर रही महिला को ऑल्टो कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला कार में फंस गई, जिसके बाद कार चालक महिला को लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटता गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने कार का पीछा किया, लेकिन कार सवार तब तक गाड़ी के नीचे फंसी महिला को निकालकर फरार हो चुका था। पुलिस सीसीटीवी और अन्य सूत्रों के मदद से कार की तलाश कर रही है। घटना औरैया जिले के बिधुना नगर के बेला बाईपास रोड की है। बिधुना थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला रोड पे लगभग 10 बजे की रात्रि में रीता देवी वाइफ ऑफ रमेश यादव, जो कस्बे की रहने वाली हैं, एक सड़क क्रॉस कर रही थी। एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार सिल्वर कलर की आई और इनको धक्का मार कर कुछ दूर तक उसमें फंसी रही, और निकलने के बाद तत्काल पुलिस और पब्लिक के लोग, उनके परिजन आए, तत्काल उनको लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उनको हम लोग पंचायतनामा के लिए शव को भेज रहे हैं। और जो ऑल्टो फरार है उसके लिए हम लोग आरटी पूरे जनपद में कर दिए हैं, कन्नौज को भी बता दिया गया है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने बयान देते हुए कहा कि देवताओं के आशीर्वाद से यूपी में माफियों का खेल खत्म हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो तो सुनते आए थे कि सतयुग में ही साधु संत बात देवता सच करते थे, अब कलयुग में भी साधु संतों की बातों को देवता सच करने लगे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे
और कुछ दिन बाद ही देवताओं ने एक संत की बात सच कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब लाइव टीवी कैमरों के सामने माफियों को ठोक दिया गया तो इसमें साफ तौर से देवताओं का आशीर्वाद नजर आता है। योगी सरकार में या तो माफिया ऊपर जा चुके हैं या जेल के अंदर बंद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश यादव मुलायम की टोपी लगाकर लुभाने के लिए कार्यक्रम में पहुंच जाते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो अखिलेश यादव मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और उन्हें नैमिष में अपनी कार्य समिति बुलानी पड़ी। लेकिन जनता आज समझदार है और इनके प्रपंच में फंसने वाली नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सख्त रुख के बाद भी फारुखाबाद स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरा। डिप्टी सीएम का आदेश फारुखाबाद के स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई मायने नहीं रखता। आपको बता दें कि सीएचसी में कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही से प्रसूता की जान भी जा सकती थी। आरोप है कि ऑपरेशन के 3 घंटे बाद महिला को टाके लगाए गए। साथ ही आपको बता दें कि टॉर्च की रोशनी में प्रसूता की डिलीवरी कराई गई। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी लेबर रूम में टॉर्च लेकर घूमते हुए कैमरे में कैद भी हुए। मामला कायमगंज की सीएससी महिला अस्पताल का है। वहीं ललितपुर में कुछ दबंगों पर दलित युवक को पीटने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक लोग एक दलित युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। वानपुरा थाना अंतर्गत ग्राम खीरिया छपरा का वीडियो ये बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को जमकर लाठी डंडे लात घूसे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित की माने तो दबंग लोग शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे। पैसे न देने पर दबंगों ने व्यक्ति को जमकर पिटाई की। पीड़ित ने शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। वहीं हरदोई के कलेक्टर परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक पंचायत हुई। इस पंचायत के बाद किसान नेताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा। किसान नेता आवारा जानवरों और बिजली समस्याओं से काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक पंचायत जिलाध्यक्ष राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि आवारा जानवरों की समस्या से किसान बहुत परेशान है। डीएम सीडीओ कई लोगों को इससे अवगत करवाया गया। डीएम के द्वारा समस्या निस्तारण के प्रयास भी किए गए। गौशालाएं भी बनवाई गई और एक आधा जगह आवारा जानवर भी पकड़े गए, लेकिन इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। किसान परेशान है, आवारा पशु से फसलें खराब हो रही हैं। आज हमारी मासिक पंचायत है, हर महीने की तरीके से आज योग दिवस है। आज हमारी किसान गोष्ठी अभी 12 बजे से होगी डीएम साहब के साथ। आज हमारी मांगे ये रही हैं, छुट्टा जानवरों की समस्या के लिए 20 बार सीडीओ साहब से, एडीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से गंभीरता से बात हुई है। उन्होंने वादा किया है, उन्होंने प्रयास भी किए कहीं गौशाला बनवा। वहीं कानपुर में भीषण गर्मी के दौरान यहां के लोगों को गर्मी से काफी जूझना पड़ा था, पर मौसम ने ऐसी करवट बदली कि अचानक कानपुर में बारिश और ठंडी हवा का मौसम बन गया, जिससे यहां के निवासियों को गर्मी से बहुत राहत मिली है। वहीं अलीगढ़ में दबंगों से परेशान पीड़ित एसएसपी दफ्तर पहुंचा। पीड़ित मारपीट की शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा। पीड़ित का आरोप है कि बेटी की शादी के दौरान गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसके परिवार और रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। मारपीट में दर्जन भर लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत करवाई। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी को संपन्न किया गया। सितारगंज में विश्व योग दिवस पर आज जौलसाल रेंज में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ललित कुमार आर्य समाज से भी भाजपा नेता रहे। योग शिविर में अनेक वनकर्मियों और क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया और योग की महत्ताओं को बताया। उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में जन जागरूकता रैली खातों को निकाली गई और सिंगल प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध को विचार रखे गए।
साथ ही नदी और नाले में प्लास्टिक का कचरा उठाया गया। मुख्य अतिथि ललित आर्य ने पर्यावरण संरक्षण पर भी अपने विचार रखे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत की देवी धुरा मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ में शामिल होने देवी धुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा जीआईएससी देवी धुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड पर मौजूद कार्यकर्ता और लोगों के जनसैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवी धुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की और देवी धुरा स्थित प्रसिद्ध माँ बाराही धाम मंदिर पहुंची और माँ बाराही के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे पंच दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और प्रदेश के मंगल और लोक कल्याण के लिए संकल्प कर हवन कुंड में आहूतियां समर्पित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने माता बाराही मंदिर की पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही बाराही मंदिर देवी धुरा की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। महाकल्याण यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में आगे बढ़े कि यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सुंदरीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। वहीं हरदोई में पेशी पर आए वृद्ध की वकील के तख्त पर अचानक मौत हो गई। माना जा रहा है कि हार्ट अटैक होने की वजह से वृद्ध की मौत हुई। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस के माध्यम से वृद्ध को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सांडी रोड पर एक गाँव पड़ता है जो शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है, नवसारा गाँव है, मेरू के पास में, वहीं के रहने वाले थे। आज अपने मुकदमे के सिलसिले में यहाँ हरदोई कचहरी में आए थे, तो उस संबंध में, इनके मुकदमे के संबंध में मैं जानकारी करने के लिए सीजीएम कोर्ट गया था और जब तक मैं वहाँ इनके काम को देख रहा था, तभी यहाँ से सूचना आई कि इनको हार्ट अटैक पड़ा है और उससे इनकी मृत्यु हो गई है। तो अभी 108 एम्बुलेंस को हम लोगों ने तत्काल फोन किया, 108 नंबर की एम्बुलेंस इनको जिला चिकित्सालय लेकर गई है। वहाँ अब डॉक्टर लोग देखेंगे, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा क्या स्थिति है। वहीं पीलीभीत में लूट की योजना बनाते 1 लाख के इनामी बदमाश सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रेलवे फाटक के पास से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि तीनों बदमाश का आपराधिक इतिहास भी है और इन पर कई मुकदमे दर्ज भी हैं। तीनों ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अपने साथ लाए अवैध हथियारों से फायर कर दिया था। वहीं पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और गैंगस्टर के तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। फतेहपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के किसानों को नलकूप का फ्री कनेक्शन देने का वादा किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का वादा पूरा नहीं हो रहा और विद्युत विभाग के कर्मियों के द्वारा कनेक्शन काटने के साथ साथ वसूली सहित अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने पंचायत करने के लिए रणनीति बनाते हुए 25 सितंबर को लखनऊ में बड़ी महापंचायत करने का निर्णय लिया है। जिला मुख्यालय स्थित नहर कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के जिलाध्यक्ष राजकुमार गौतम के नेतृत्व में पंचायत कर निर्णय लिया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से वादा किया था कि उनका नलकूप का कनेक्शन फ्री होगा। जिन किसानों का नलकूप चल रहा है उनका बकाया बिजली का बिल माफ किया जाएगा, लेकिन चुनाव के 1 साल बाद भी मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया।
जिसको लेकर किसानों को बिजली विभाग के अधिकारी और विजिलेंस की टीम परेशान कर रही है। पंचायत में रणनीति तैयार की गई कि आगामी 25 सितंबर को लखनऊ में एक बड़ी पंचायत होगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके द्वारा किए गए वादे याद दिलाने का काम किया जाएगा। महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान सहित कई बड़े किसान नेता मौजूद होंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों की बिजली 4 से 6 घंटे मिल रही है, नहर में पानी नहीं आ रहा, अन्ना मवेशियों से हो रही फसल बर्बाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया जा रहा। इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि लखनऊ 25 सितंबर को एक बड़ी पंचायत की जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था कि किसानों का विद्युत बिल नहीं लगेगा नलकूपों का, वो अभी लागू नहीं किया गया है। उसी यही सब मांगों को लेकर 25 सितंबर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौहान जी ने निश्चित किया है कि वहाँ पर पंचायत की जाएगी और जिले में से भारी संख्या में किसान जाएंगे वहाँ पर। इसकी आज रूपरेखा बनी है और जनपद में विद्युत विभाग का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो आए दिन किसी न किसी के यहाँ छापा डाल के उगाही का एक अभियान चला रखा है। जो गरीब किसान गांव में लाइट जला रहे हैं उनको परेशान करना, 10-20 हज़ार लेके फिर छोड़ देना, नलकूपों को यहाँ रेट डालना, जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनके घरों में रेट डालना और कार्यवाही के नाम पर केवल पैसा वसूलना। वहीं जालौन में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस का असर दिख रहा है, जहां 25,000 के इनामिया बदमाश समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 2 बदमाशों पर मेरठ, जालौन समेत अलग अलग जिलों में डकैती और लूट के 23 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से 3 तमंचे कारतूस और 8,000 रुपये की नकदी और 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया। मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। ये आटा थाना क्षेत्र का ये बंदा गांव का एक कच्चा रास्ता है, यहाँ मुठभेड़ हुई है। एक वांछित अभियुक्त थे और हमारी आटा पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। उस ब्यूरो की सूचना पर ये जो अभियुक्त है काफ़ी साजिश किस्म के हैं, अंतर जनपदी गिरोह लूट और डकैती और उसमें चोरी में संलिप्त है, जिनकी पुलिस को काफ़ी समय तलाश थी। आज उनकी सूचना पर इनकी चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग जब हो रही थी संकट पहुंचे चौकी के आसपास तो ये भागने लगे, मोटरसाइकिल पर भागने लगे। जब इनका पीछा किया गया तो उन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, 1 सही है और 2 लोगों को चिकित्सकीय इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और अभियुक्तों के पास से टप्पेबाजी में जो ब्रेक मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है, 3 तमंचे बरामद हुए हैं, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है, 8,000 रुपये भी इनसे बरामद हुआ है। वहीं एटा में राजा का रामपुरा कस्बा स्थित प्राचीन दाऊजी महाराज के मंदिर से प्राचीन जगन्नाथ जी की यात्रा का प्रारंभ हुआ। ये यात्रा गढ़ी रानी साहिबा मोहल्ला स्थित दाऊजी के मंदिर से डाकघर, मुख्य बाजार, मढ़िया चौराहा होते हुए बड़ी मंदिर पर जाकर पहुंची, उसके बाद वापस मंदिर पर पहुंची। यात्रा में रास्ते पर जगह जगह भारी मात्रा में भक्त प्रसाद वितरण करते हुए और भगवान जगन्नाथ की जगह जगह लोग आरती कर भगवान को मनाए। दोपहर 2 बजे से जगन्नाथ जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा शुरू होते ही बारिश होने लगी, ऐसे में बारिश के बीच में पूरे कस्बे में भंडारे का आयोजन हो। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने संभल के बहुचर्चित कोल्ड स्टोर हादसे के मृतकों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोल्ड स्टोर मालिक से 1,30,00,000 रुपए वसूल कर मृतकों के आश्रितों को दिए हैं। आपको बता दें कि संभल जिले का ये पहला मामला है जहां कोर्ट कचहरी के बगैर सरकार ने नियोक्ता से धनराशि वसूल कर पीड़ित के आश्रितों को मुहैया कराई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।